एनआरसी की फाइनल रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है इसी को लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सांसद तीरथ सिंह रावत सर देखा जाए तो एनआरसी की ये दूसरी रिपोर्ट है जो कि सामने आई है जिसमें लगभग 19 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है जिनको अब भारतीय नहीं माना जाएगा देखिए एन आर की रिपोर्ट जो आई है वो पहले से उसमें वर्क चल रहा था काम चल रहा था और आज रिपोर्ट सामने जो आई है और उसमें जो संख्या आई है उस संख्या के बल पे डिसीजन केंद्र को लेना है और केंद्र उसमें जो भी लेगा हमारा वरिष्ठ नेतृत्व तो, और सरकार मैं सोचता हूँ कि देश के हित में और समाज के हित में होगा सर एनआरसी की शुरुआत कांग्रेस के समय में हुई ऐसे में देखा जाए सुब्रमण्यम स्वामी यानी कि बीजेपी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 19 लाख लोगों को जो है श्रेणी से बाहर रखा गया है उनमें से अगर जो हिंदू है उन्हें इस श्रेणी में जो है हटा देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं का एक जो बड़ा वोट बैंक है वो बीजेपी के लिए बेहद ज़रूरी है देखिए ये उनकी सोच रही है और हर चीज़ को वोट से नहीं देखना चाहिए कुछ चीज़ें मैंने कहा ना कि देश और समाज ये सबसे बड़ा हमारे लिए पहले है तो पहला देश है समाज है और फिर पार्टियां हैं व्यक्ति ये सब चीज़ें हैं लेकिन हर चीज़ को यदि वोट की दृश्य हम देखें तो ये अच्छा नहीं है चलिए सर ये तो रही सांप्रदायिकता को लेकर विवाद एनआरसी को लेकर मुद्दे को लेकर बात लेकिन आपको क्या लगता है अगर मैं उत्तराखंड की तर्ज पे बात करूं कि एनआरसी की शुरुआत जिस तरीके से असम से हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का सपना है कि इसको पूरे देश में लागू किया जाए अगर उत्तराखंड की दृष्टि से मैं समझने की कोशिश करूँ तो आपको लगता है कि वाकई में कुछ ऐसे घुसपेटियाँ है जो कि लंबे समय तक उत्तराखंड में रहते हुए आए हैं यहाँ पर भी जो है ये रूल जल्द से जल्द लागू होना चाहिए बिल्कुल देखो ये नियम पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए और इससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है अभी बिहार पिछले हाल में दिनों में जब जम्मू कश्मीर की बात आई और कभी भी ऐसा एक मुद्दा इशू होता था कश्मीर को लेकर के तो देहरादून के अंदर भी पाकिस्तान के ज़िंदाबाद लगाए कुछ लड़कों ने कुछ इस तरह के लोग पाए गए तो क्या वो सही है मैं पूछना चाहता हूँ हरीश राव जी को या अन्य जो भी इस प्रकार के नेता जो कहते हैं क्या ये सही है क्या आपके घर में ही आपकी जिंदाबाद ना लगाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलें और खाएं यहाँ का और गुणगान गाएं वहाँ का ये काय का न्याय है तो ऐसे लोग इस प्रकार के अपराधी तत्व और देश विरोधी और जो समाज को तोड़ने वाले ऐसे जो लोग हैं वो हर जगह हैं तो उनके लिए सीधा सीधा या तो अंदर होना चाहिए और या उनको सीधा रास्ता बाहर का दिखाना चाहिए शुक्रिया सर आन टीवी से खास बात करने के लिए तो ये थे हमारा तेजथ सिंह रावत जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर एनआरसी की रिपोर्ट उत्तराखंड में लागू होती है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जिन्हें वक्त रहते बाहर का दरवाजा दिखाना जरूरी है कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं भावना आन दिल्ली